राज, क्योंकि वहां पर इन्होंने हिंदू स्वराज में अफ्रीका में भारतीयों के साथ जो जुल्म हो रहे थे उन पर जो है ब्रिटिश सरकार की कटु आलोचना की थी, ठीक है। और इनकी और रचनाओं की अगर बात करें तो ग्राम स्वराज, ग्राम स्वराज इंपॉर्टेंट रचना है ये, क्योंकि देखिए भारतीय संविधान में भी जो आर्टिकल 40 है, अनुच्छेद 40, उसको गांधीवादी अनुच्छेद कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां पर पंचायतों का गठन आर्टिकल 40 में आता है और गांधी जी बहुत ज्यादा हिमायती थे शक्ति के विकेंद्रीकरण के लिए। इसलिए तो उन्होंने जब भारत आजाद हुआ तो उनकी एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, उन्हें कहा कि जिस प्रयोजन से कांग्रेस का गठन हुआ था मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस को अब नष्ट कर देना चाहिए, कांग्रेस की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये जो हमने बनाई थी या ये जो बनी थी लोगों ने जब बनाया था इसको 1885 में, तो एओ ह्यूम हालांकि वो ब्रिटिश थे लेकिन इसकी जो इसका जो कार्य था ना वो मेन यही था कि भारत को स्वतंत्रता दिलाना था। अब जब इन्होंने कहा भारत को स्वतंत्रता मिल चुकी है तो सबसे पहले कांग्रेस को नष्ट कर देना चाहिए, कांग्रेस का अस्तित्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा इसमें राजनीतिक दिक्कत आएंगी कल के दिन, क्योंकि ये वो पार्टी है जो हर बार भाई देखो कांग्रेस ने ही का ही तो योगदान था, जितने भी राजनीतिक अगर मैं बात करूं राजनीतिक गतिविधियां हुई वो किसने की? कांग्रेस ने की। तो गांधी जी जानते थे कि अगर ये बची रहेगी तो हमेशा जो है क्या होगा दूसरा पक्ष ही नहीं बन पाएगा, क्योंकि तो एक ही पक्ष रहेगा, उस समय भी यही पार्टी थी आप देख लीजिए जिस समय। अब देखिए इसको कोई टक्कर नहीं दे सकता था, जब चुनाव हुए ना 1937 के प्रांतीय चुनाव हुए थे 1937 में तो कांग्रेस एक तरफा जीती थी, केवल मुस्लिम बहुलता जहां पर थी जैसे बंगाल में वहां पर मुस्लिम लीग जीत गई क्योंकि वहां मुस्लिम। अब लेकिन देश का तो विभाजन हो गया था है ना, बांग्लादेश भी अलग हो गया था मुस्लिम होने के बाद, अब बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान कहते थे तो उस समय वो भी पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। तो गांधी जी ने ये बात बहुत स्पष्ट तरीके से कही थी कि सबसे पहले हमें कांग्रेस को नष्ट कर देना चाहिए, कांग्रेस की कोई भी अब जरूरत नहीं है, ऐसा गांधी जी ने कहा था और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए इन्होंने जो है शिक्षा के बारे में सॉरी एक दो और रचनाएं बताता हूं इनकी। इनकी एक रचना है गीता बोध, ये आपको इसलिए ध्यान रखनी चाहिए क्योंकि उत्तराखंड एलटी का पेपर दे रहे हैं आप, ये रचना लिखी गई थी 1929 में, इससे संबंधित जो है यही की कहानी है हमारे उत्तराखंड की। ये जो है पूरा हल्द्वानी नैनीताल होते हुए बागेश्वर आदि जगह गए और फिर गए ये कौशानी में जहां 12 दिनों का प्रवास किया, तो इसकी कुछ टीकाएं कुछ इसके जो अध्याय है वो जो है कौशानी में ही लिखा था गांधी जी ने, और ये 1929 में ही जो है गांधी जी ने उत्तराखंड की द्वितीय यात्रा की थी। पहली बार हमने कहा ना 1915-16 में हरिद्वार और देहरादून होकर चले गए थे, अब की बार पूरे गांव गांव गए, बागेश्वर भी गए। कौशानी कहाँ है? अल्मोड़ा में है, अल्मोड़ा और बागेश्वर में आता था, पहले अल्मोड़ा के ही एरिया माना जाता था पूरा। तो कौशानी में गांधी जी ने क्या कहा था, इसी समय कौशानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा, वो इसीलिए कहा था क्योंकि 12 दिनों का प्रवास किया था यहां पर। और गीता पर जो इन्होंने ये टीका लिखी जिसका नाम क्या है गीता बोध, ये कब लिखी थी 1929 में, ये भी इंपॉर्टेंट रचना है। इस तरह की रचनाएं कभी पूछ लेता है कंफ्यूज करने के लिए या फिर जो है इसका रिलेशन है उत्तराखंड से, ठीक है। एक और अब लास्ट इनकी जो रचना थी उस 1948 में लिखी गई यानी कि इनकी मृत्यु से कुछ समय पहले, और उस रचना का नाम था अंतिम संदेश। अंतिम संदेश इसमें जो है मूल रूप से गांधी जी ये कहना चाह रहे थे कि जब 1947 में भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ जिस तरीके से इन्होंने 21 दिन का उपवास भी रखा, लेकिन जो मारकाट उस समय हुई, जितने लोगों ने अपने जीवन की बलि दी उससे ये बड़े आहत हुए, तो अपने अंतिम संदेश में उन्होंने यही चीजें डिस्कस की कि इस तरीके से हम कैसे आपस में भाईचारा बनाकर रख पाएंगे, क्योंकि भाई घाव तो हमेशा रहेगा ना, आज तक नहीं है क्या वो घाव? ट्रेन से ट्रेन कट कट के आती थी यहां, यहां से भी कट कट के पाकिस्तान जाती थी, तो वो घाव आज भी है लोगों के मन में। वो इसलिए समाप्त नहीं हो पाते हैं क्योंकि जिसने उस विभीषिका को झेला, भाई जो अपने लोगों को बचा पाए होंगे तो उन्होंने तो बचा लिया होगा, मजबूर व्यक्ति नहीं तो अपने लोग खोए होंगे किसी न किसी कारण में, जो मजबूर में होगा मजबूरी में होगा उसके दिल में तो वो घाव रहेगा ना, क्योंकि किसी ने अपने माता को खोया, किसी ने पिता को, किसी ने अपनी बहन को, किसी ने अपने परिवार को, किसी ने अपने बच्चों को, किसी ने, तो वो सब चीजें इतने आसानी से भूलने वाली नहीं थी। तो अंग्रेजों ने जाते जाते भी ये बहुत बड़ा घाव विभाजन सिद्धांत के तहत बहुत बड़ा घाव दिया दोनों देशों को। खैर ये भी अलग बात है। तो इनके एक और रचना आप याद रखेंगे वो है यंग इंडिया, ठीक है ना। इसमें इन्होंने भारत के जो युवा शक्ति है उसको आह्वान किया था कि भाई जो है देश आपके हाथों में है,
देश किस तरफ जाएगा ये आप तय करेंगे, युवा ही भारत के भविष्य का निर्माण करेंगे, ऐसा गांधी जी ने कहा था, ठीक है ना। तो पंचायत, ये गांधी जी हमेशा ही विकेंद्रीकरण को जो है ज्यादा, केंद्रीकरण के बजाय विकेंद्रीकरण को ज्यादा जो है सपोर्ट करते थे। विकेंद्रीकरण मतलब डिसेंट्रलाइज, ये कहते थे शक्तियों का विभाजन होना चाहिए, शक्ति अगर एक ही जगह होगी ना तो वो कभी भी जो है सहायक नहीं हो सकती है गरीब के लिए, निम्न वर्ग के लिए। इसलिए जो है पंचायत, पंचायतों का मतलब क्या है कि एक गांव के बहुत छोटे तबके तक जो है ताकत पहुंचाएगी और उस शक्ति के माध्यम से गांव का विकास होगा। गांधी जी कहते थे कि जो देश है हमारा, भारत देश है, ये गांव में बसता है, जिस दिन गांव नहीं उस दिन भारत का अस्तित्व तो समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। भारत जो है ये कहते थे कि गांव में बसा हुआ है, इसलिए डिसेंट्रलाइज। विकेंद्रीकरण क्या है, पंचायती राज जो प्रणाली है इसी को विकेंद्रीकरण कहा जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन, सेंटर की पावर को और ज्यादा विभाजित कर दिया गया, शक्तियों का विभाजन, ये गांधी जी जो है पहले से ही चाहते थे। इसलिए आर्टिकल 14 जो आज है वो उसको गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है, गांधीवादी अनुच्छेद कहा जाता है, ठीक है। ये गांधी जी का व्यवहार यानी कि सामान्य परिचय था। अब बात करते हैं गांधी जी की शैक्षिक अवधारणा, क्योंकि यहां तक तो ठीक है, रचनाएं आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, मूल मूल रचनाएं हैं ये सभी आपको पीडीएफ के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, कल आपको जो है कुछ नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। वैसे तो हम यूनिट वाइज, पर यूनिट में थोड़ा टाइम लगेगा, आप बीच बीच में पढ़ने के लिए आपको जो है कुछ ना कुछ नोट्स चाहिए, तो कल आपको काफी कुछ नोट्स मिल जाएंगे जिसमें आप अभी तक जो पढ़ाया है उसमें से काफी कुछ रिवाइज कर पाएंगे, ठीक है। तो कल मैं ये काम करवा देता हूँ। अब बात करते हैं गांधी जी के शिक्षा संबंधी सिद्धांत। बहुत सिंपल से बातें कही है, मैंने पहले भी कहा था कि भारतीय दार्शनिकों को जब हम पढ़ेंगे तो हमें बहुत आसानी से उनकी बातें समझ में आ जाएंगी कि वो क्या चाहते थे। और किसी भी सिद्धांत को मैंने कहा था 4-5 बातें हैं वो आप याद रखिए, सिद्धांत कंप्लीट। सबसे पहले उन्होंने कहा था कि 7 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, और हमारे संविधान में 6 से 14 वर्ष कर दिया गया। गांधी जी ने 6 से 14 नहीं, कितना कहा था, 7 से 14, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, ये जो आरटीई है, राइट टू एजुकेशन, उसके द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना आवश्यक है, और ये फिर राज्य का प्रथम कर्तव्य बताया है इसको, ये राज्य की जिम्मेदारी है कि हर बच्चे को जो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। फिर जो हमारे मूल कर्तव्य है वहां पर भी कहा है कि बच्चों को जो है प्राथमिक शिक्षा देना माता पिता का भी प्रथम कर्तव्य है, ठीक है ना। और पहले से हमारे वेदों पुराणों में ये बात पहले से कही जाती थी, माता शत्रु पिता बैरी ये बालों ने पाठित है, यानी कि वो माता शत्रु है पिता बैरी है जो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो हमारे संविधान में भी वही देखिए, पहला तो आपको ये ध्यान रखना है कि गांधी जी ने जो है बच्चों के लिए 7 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा की बात कही। दूसरा इन्होंने कहा कि शिक्षा भी कैसी, निःशुल्क और अनिवार्य, कोई शुल्क नहीं होना चाहिए शिक्षा का और अनिवार्य होना चाहिए हर बच्चे को। क्योंकि देखो माँ बाप, एक चीज बताओ, 7-8 साल का बच्चा क्या ही काम कर लेगा, आप बताओ कहां उसको काम में लगाओगे आप। नुकसान भी तो है, बहुत बड़ा नुकसान है उसके लिए, इतनी कम उम्र में आप अगर उसको काम कराएंगे, हैवी का अगर काम करने लग गया तो उसका शारीरिक रूप से वो वैसे ही कमजोर हो जाएगा, मजबूत नहीं होगा, क्योंकि वो अपनी कैपेबिलिटी से ज्यादा काम करना पड़ेगा उसको। काम तो उसको कहते हैं, है ना। लेकिन जब एक उम्र आ जाती है जहां हम परिपक्व हो जाते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि लेबर कोई भी आपने ना बहुत अच्छा तंदुरुस्त देखा क्या, लेबर नहीं होता है एक्चुअली, क्यों, क्योंकि वो भी अपनी कैपेसिटी से ज्यादा काम करता है अर्निंग के लिए। आप कहेंगे कि वो बिल्कुल सही रहता है, वो इतना पीड़ित रहता है कि आप कहीं पर भी शराब के ठेकों वाली जगह पे कभी देखना आते जाते, सबसे ज्यादा आपको जो है मजदूर वर्ग मिलेगा। डिप्रेस्ड है ना, उसका रीजन क्या है, रीजन ये है कि वो जो काम कर रहा है वो मजबूरी में कर रहा है। कौन चाहता है, आप ही सोचिए कि क्या आसान है कि सुबह 9 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक आप पत्थर हो, आसान है क्या। जानवर को भी चाहिए आराम भाई, इंसान तो फिर भी इंसान है। तो बाहर से देखने को एक बार लग सकता है, देखो कई मजबूरियां होती है, अब किसान मजदूर आदमी को जो है जो इस तरीके हार्ड वर्क करते हैं, कोई बीमारी भी होगी ना वो तब तक नहीं बताती जब तक वो पूरी तरीके से बिस्तर पे लेट ना जाए, बाकी वो झेलते रहते हैं, वो कहते हैं अरे चलो ये बीमारी हो रही है तो होने दो, ठीक है ना। तो वो झेलने वाली बात होती है, वो तो शरीर है, शरीर फिर एडजस्ट करता है। दूसरा इन्होंने कहा कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनके उद्देश्य में। शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए,
मातृभाषा की गांधी जी ने पहले ही जो है क्लियर किया था कि होना ही चाहिए। पहला उद्देश्य क्या है, 7 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, और दूसरा है शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, मातृभाषा। दो सिद्धांत यानी कि इनके दो सिद्धांत हो गए। तीसरा इन्होंने कहा कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो विद्यार्थियों में समस्त मानवीय गुणों का विकास करे। मानवीय गुण से तात्पर्य क्या है, नैतिक शिक्षा कह लीजिए आप। मानवीय गुण का मतलब है कि एक मानव दूसरे मानव की पीड़ा को समझ सके, तब वो उसमें मानवीय गुण है, नहीं तो पार्श्विक गुण हो जाएंगे ना भाई। अगर कोई परेशानी में है तो उसकी परेशानी को तो वही जानेगा, लेकिन अगर आपने उसको उस परेशानी में ढांढस भी बढ़ा दिया ना आपने कि कोई बात नहीं परेशानी है, आज ऐसा है तो कल अच्छा दिन भी आएगा, ऐसे बताते हैं ना वो लोग, वही तो है मानवीय गुण की, जहां पर एक मानव दूसरे मानव की परेशानियों को, दूसरे मानव की तकलीफों को अनुभव करने का प्रयास कर सके। अनुभव नहीं किया जा सकता है भाई, जिस दर्द जिसको हो रहा है वो तो किसी का पैर टूटा है, आप कह रहे हो कि अपना जब ध्यान रखो कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं, ये तो हो गया, अब आप केवल उसको अनुभव करने का तो प्रयास कर रहे हैं, उसको ढांढस बता करके या उसके दर्द को महसूस कर पा रहे हैं कि आपके पैर टूटने में कितना दर्द हो रहा है, नहीं कर सकते ना। तो मानवीय गुण से तात्पर्य यही है, ठीक है। दूसरा इन्होंने कहा कि अब ये तीसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है, इन्होंने कहा व्यावसायिक शिक्षा। गांधी जी इस चीज के बड़े हिमायती थे, वो कहते थे कि अगर व्यावसायिक शिक्षा, वो कहते थे बहुत कम उम्र से ही ना बच्चों को कुछ ना कुछ कताई बुनाई सिलाई कुछ ना कुछ करवाते रहो, इससे क्या होगा कि आने वाले समय में जो है वो आजीविका के लिए परेशान नहीं होगा, क्योंकि तब तक उसका स्किल डेवलप हो जाएगा आप अगर कम उम्र से ये चीज कराते हो। तो ये जो है बहुत ही इन सिद्धांत, हालांकि जितने भी इनके दिए गए हैं वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर इन्होंने कहा शिक्षण जीवन के वास्तविक परिस्थितियों से हो, यानी कि जो बच्चे को पढ़ाया जा रहा है ना वो जीवन की वास्तविक परिस्थितियां, वास्तव में जब जीवन में जो घटनाएं होती हैं, क्योंकि अक्सर हम क्या देखते हैं कि हमारी शिक्षा का स्वरूप ज्यादातर कैसा है, जो वास्तविक जीवन में जाते ही फ्यूज बल्ब जैसा हो जाता है, किसी काम नहीं आता है। हमने जो शिक्षा ग्रहण की है, एक चीज सोचिए, आपने साइंस पढ़ी, कितनी बार अप्लाई किया आपने फिजिक्स के सिद्धांतों को, केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज को या बायोलॉजी के प्रैक्टिकल को, कितनी बार किया जीवन में, पता थोड़ा है कुछ एक्चुअल में। तो पढ़ते गए नौकरी नहीं लगी, तो अब जब वास्तविक जीवन से तात्पर्य समझ रहे हैं आप, जब आपको सारी जिम्मेदारियां खुद उठानी पड़ेंगी, तो अब आपने वो शिक्षा कहां काम आ रही है आपके, आप बताइए। अभी तो पेपर दिया निकल गए तो ठीक है, नहीं निकले तो फिर जीवन में क्या करोगे, अच्छा ये बताइए। भारत का हर युवा परेशान है इस सवाल से कि फिर उसके बाद क्या होगा। पोस्टर तो सबके लिए नहीं निकल सकती ना, ऐसा तो कोई रूल है नहीं कि आप बीए कर लो या बीएड कर लो आपकी नौकरी पक्की, ऐसा है कोई रूल है नहीं। जिंदगी भर कोई लगा रहता है बेचारा, नहीं हो पाता, क्या करें। तो ये जो वास्तविक परिस्थितियों से संबंधित अगर शिक्षा मिले मानव को, गांधी जी आत्महत्या को महापाप समझते थे और है भी। आत्महत्या कौन करता है, जब आप जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में फंसते हैं तभी तो आत्महत्या करते हैं, और वास्तविक परिस्थितियों का मतलब है चिंता तनाव जिम्मेदारियां परेशानियां बहुत सारी, मतलब बड़े लेवल पर जिम्मेदारियां नहीं पूरी हो रही है, करना आप ही को है भाई। कल के दिन माना किसी व्यक्ति का एक परिवार है, माता पिता बुजुर्ग हो गए, पत्नी जो है वो गृह कार्य में लगी है, बच्चे हैं छोटे छोटे, अब उसको बच्चों की शिक्षा के लिए भी देखना है, पत्नी के लिए भी भाई अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी है, माता पिता की भी सेवा करनी है अर्थात उनका भी ध्यान रखना है, अब वो नहीं रख पा रहा, अब बेरोजगार हो गया सोचो आप, और देहरादून जैसे शहर में, अब उसको महीना आती ही सबसे पहली चिंता क्या होगी, किराया कैसे दे रूम का, बच्चों के लिए छोटा बच्चा है तो दूध कहां से लाए, देख लो 70-80 रुपए किलो देते हैं जितने भी तबेलों में दूध लेने जाओ तो, प्योर थैली वाला लो या तो फिर अब उसका कहते हैं कि केमिकल मिक्स है ये है वो है कई चीजें, तो सस्ते से सस्ता भी लेगा तो इंसान, तब भी जो है बेरोजगार आदमी कहां से इतना पैसा लाएगा कि हर महीने का जो है उस खर्चे में अपने परिवार को पाल सके, वो सोचिए आप। अब क्या करेगा, वो डिप्रेस्ड हो जाएगा, अवसाद में चला जाएगा, और उसका परिणाम क्या होगा, फिर अगर बहुत कमजोर होगा, अगर उसके
जो गट्स होता है, गट्स का मतलब समझे ना, परिस्थितियों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो अगर कमजोर होगी तो आदमी के पास एक ही ऑप्शन मिलता है, आत्महत्या। और ये केवल मैं पैसों की बात नहीं कर रहा हूं, ये किसी भी वे पर आ सकते हैं। आपने देखा होगा अखबारों में कई बार ये न्यूज आती है कि आईएस ने ना अपने आप को जो है फांसी पे लटका लिया। बताओ, पावर है, पूरे जिले का मालिक है, इतनी अच्छी नौकरी है, इज्जत है, तुझे क्या जरूरत पड़ी भाई कि तू लटक गया। वो काम का प्रेशर, सब प्रेशर जो है आप जीवन के झेल सकते यदि आपको जो है नैतिक शिक्षा मिली हुई, व्यवहारिक शिक्षा मिली। क्योंकि व्यवहारिक शिक्षा सिखाती ये है कि हर पल मानव का कभी भी टप से टफेस्ट हो सकता है, चुनौतियां कभी भी आपके सामने खड़ी हो सकती हैं। तो आपको ऐसा ही तो बनना है कि अगर अचानक से चुनौती आ जाए तो फिर मैं उसका सामना कैसे करेंगे हम, ठीक है ना। तो गांधी जी यही चाहते थे कि विकास, शिक्षा का महत्व तो कुछ ऐसा हो, शिक्षा कुछ इस तरीके से दी जाए कि व्यक्ति जो है वास्तविक परिस्थितियों से लड़ सके। केवल पढ़ के बुकिस नॉलेज से कभी भी इंसान का भला हो ही नहीं सकता है, तो वो तो नौकरी ही लगा सकती है। नौकरी के बाद भी लोग आत्महत्या करते हैं, नौकरी के बाद भी कई गलत काम करते हैं। इसका रीजन यही है कि भाई नैतिक शिक्षा का होना बहुत जरूरी है। मॉरलिटी नहीं होगी, देखिए नैतिक शिक्षा से तात्पर्य क्या है, अगर कोई जैसे हमने कहा कोई बड़े पद का जो है व्यक्ति अगर आत्महत्या करना चाह रहा है तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई तो वजह होगी, या तो काम का प्रेशर होगा, या तो उसके ऊपर बैठे हुए जो लोग हैं राजनेता हो सकते हैं या कोई भी हो सकते हैं, उनका प्रेशर हो सकता है उस पर किसी काम को, या तो ऐसा हो सकता है कि वो नहीं करना चाह रहा पर कोई जबरदस्ती उससे काम करवाना चाह रहा है, कई सारी दिक्कतें हो सकती है ना। तो उन्हीं वही तो है वास्तविक परिस्थितियां। तो ये कौन सी किताब में पढ़ाया जाता है, नहीं पढ़ाया जाता ना, तो वहां पर आदमी हार मान जाएगा, फिर वहां पर अपने आप को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो गांधी जी के शिक्षा के सिद्धांतों में आपको ये दो तीन बातें याद रखनी है जो पूछी जाती हैं सबसे ज्यादा। और इन्होंने ये भी कहा कि वास्तविक परिस्थितियां में जीवन के वास्तविक परिस्थितियों में शिक्षण कैसा होना चाहिए, जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से मिलता जुलता होना चाहिए। यानी कि इस प्रकार की शिक्षा दीजिए कि कल के दिन आपके सामने ऐसी चुनौतियां भी आएंगी तो आप उन चुनौतियों को कैसे पार करेंगे, उन चुनौतियों से कैसे लड़ेंगे। तो ये थे इनके शिक्षा के सिद्धांत। अब इनके बात करते हैं गांधी जी के शिक्षा के उद्देश्य क्या थे, उद्देश्य। अब उद्देश्य में एक तो आएगा तात्कालिक उद्देश्य, ठीक है ना। तात्कालिक का मतलब होता है कि जो त्वरित उसी समय लागू किया जाए किसी चीज को, और एक होता है कुछ समय बाद या फिर एक लंबी अवधि के लिए। जो तात्कालिक उद्देश्य थे गांधी जी की शिक्षा के वो ये थे कि इन्होंने कहा शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से बच्चे का विकास होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, शारीरिक भी, मानसिक भी और आध्यात्मिक भी। ये तो इन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, यानी कि अगर बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं तो ये तीन चीजें उसमें जो है प्रविष्ट कराइए, शारीरिक रूप से भी उसको मजबूत बनाना है, मानसिक रूप से भी और अध्यात्म। अब जब अध्यात्म शब्द आया है तो ये किस वाद से संबंधित अपने आप होगी, कौन सा वाद है जो अध्यात्म को प्रेफर करता है। फिर ये कहते हैं कि व्यक्तित्व का विकास। अब व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व का विकास, पर्सनैलिटी, हमने बताया था इसके बारे में। व्यक्तित्व का मतलब क्या होता है, कभी इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, व्यक्तित्व का अर्थ बताइए, व्यक्तित्व का मीनिंग क्या होगा। वो तो कैसा होना चाहिए नहीं, मैं तो सिर्फ ये बोल रहा हूं कि व्यक्तित्व क्या होता है, व्यक्तित्व पर्सनैलिटी का मतलब क्या है। जैसे आप ये तो नॉर्मल डे में प्रयोग होने वाला शब्द है, कहते ना कि उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, उसकी पर्सनैलिटी खराब है, कुछ लोग उसको शरीर से लेकर चलते हैं, उसका शरीर से कोई लेना देना बहुत कम लेना देना है। व्यक्तित्व क्या होता है, ये फिर डेवलपमेंट आ गया अपने, वो भी सर्वांगीण विकास आ गया ये, ठीक है। देखिए व्यक्तित्व का मतलब क्या होता है, व्यक्तित्व का मतलब होता है कि किसी भी स्थिति में या किसी भी क्रिया के प्रत्युत्तर में
व्यक्ति द्वारा की जाने वाली प्रतिक्रिया।